आम के मंजर में कीट और व्याधि की देखभाल कैसे करें? किसान भाइयों नमस्कार। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो आम का पौधा है, आम के पौधे में अभी मंजर आ गया है, कई जगह मंजर खिला हुआ है और बहुत किसान भाई देख करके बहुत खुश हैं। अभी आम का जो स्वाद लेना है तो मंजर की देखभाल अच्छे से करनी है। मंजर आया है तो इसमें बहुत सारा कीट की परेशानी होती है। ये कीटों से होता क्या है कि मंजर में से या तो रस चूसते हैं या फिर उसके ऊपर लगे रहते हैं, जिससे आपका मंजर है वो फल में, जो फूल है वो फल में नहीं बदल करके पूरा झड़ जाता है। आप देखेंगे कि पूरा डंठल डंठल दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन सा कीट आता है। पहला जो मुख्य कीट है वो मधुआ कीट है आपका, जो आम में अभी आया हुआ होगा। मंजर को आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी पहचान कैसे करनी है कि मधुआ कीट आपके आया हुआ है। अगर आप जहाँ से सूर्य का प्रकाश जिस साइड में पौधे पे गिर रहा है, अगर उस साइड में जाके देखते हैं, पत्तियों पे चमकीला कुछ दिखाई दे रहा है या पत्तियों पे मधु जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो आम का जो मंजर है उसके ऊपर मधुआ कीट का प्रकोप हो गया है। आप जो मंजर है उसको पास में जाके देखिए, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा कीट भागता हुआ दिखाई देगा, यही मधुआ कीट है। जो आपका मंजर है उसके ऊपर में सफ़ेद सफ़ेद जो सफ़ेद रंग का रुई जैसा कीट आपको दिखाई देगा, यह कीट मीली बग और स्केल इंसेक्ट है, जो आपके मंजर के ऊपर चढ़ करके उसमें से रस चूस रहे हैं। और इनके रस चूसते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पे काला काला करके पत्तियों पे एक जिसको सूटी मोल्ड बोलते हैं, ये बीमारी भी आ जाती है। तो यही तीन जो कीट है झारखंड में आम के ऊपर मुख्य रूप से लगते हैं। अगर हम इनके नियंत्रण की बात करते हैं इस समय में, तो किसान भाई पहले ध्यान दें कि आपको ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करना है। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उसमें जो रासायनिक कीटनाशक हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस समय में जो मंजर अगर पूरा खिल गया है और कीट की समस्या है, तो शाम के समय में एक छिड़काव आप डाइमेथोएट, जो रोगर के नाम से मिलता है, और भी अन्य केमिकल नाम जो आपका ट्रेड नेम है उससे मिलता है, तो आपको 2 ml प्रति लीटर इसका छिड़काव करना है। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो आप साइपरमेथ्रिन का भी छिड़काव कर सकते हैं। 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको एक छिड़काव अभी करना है, जिससे आपका मधुआ कीट, थ्रिप्स की जो समस्या है, अगर थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा है तो आपको थायोमिथोक्साम, जो एक तारा के नाम से मिलता है, 1 ग्राम दवा को 3 लीटर पानी में मिला करके आप जरूर इस समय में छिड़काव करें। अन्यथा आपका जो इसमें जो मंजर है उसमें क्षति होने की हानि संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आपके बगीचों में मंजर के ऊपर मीली बग लगा हुआ है, तो किसान भाई इस समय में आप अगर हो सकता है तो प्रोफेनोफोस 1.5 ml से लेके 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव, जिसमें स्टिकर और स्प्रेडर यानी कि जो मार्केट में मिलता है वो मिला करके एक छिड़काव तुरंत करें। ये आप अगर काफ़ी किसान आजकल अवेयरनेस आ रहा है कि ऑर्गेनिक खेती का, अगर ऑर्गेनिक खेती का जो कर रहे हैं तो वो इन रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करके आप नीम का, जो नीम आधारित कीटनाशक है, नीम का तेल है जैसे, उसको 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी का एक छिड़काव अभी कर सकते हैं। और बहुत सारे जैविक कीटनाशक जैसे ब्यूवेरिया वेशियाना है, मिटारजियम है, इनको 2 ग्राम प्रति लीटर में किसी एक का इसका छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर रेगुलरली करते रहेंगे, तो आप जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें भी कीट नियंत्रण आप आम में कर सकते हैं।